हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए मखाना पनीर की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो एक बार आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो देख लीजिए। तो मखाना पनीर बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इधर मैंने एक कटोरी मखाना लिया है, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है अच्छे से। और इधर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन और अदरक का एक टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी अच्छे से हीट हो गई है। अब इसमें हम डाल लेंगे सरसों का तेल। आप तेल कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम 2 हरी इलायची डाल देंगे और इसी में हम आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से जब क्रीक हो जाएगा तो इसमें प्याज का जो पेस्ट बना के रखा है वो हमें ऐड करना है। तो ये देखिए, जीरा हमारा अच्छे से क्रीक हो गया है। अब इसमें हम प्याज का बनाया हुआ पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें जब तक भूनना है जब तक इसका अच्छे से कलर ना चेंज हो जाए, तब तक इसको हमें भूनना है। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसी में हम साथ में ही डाल देंगे टमाटर। टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है वही, और टमाटर को ही प्याज के साथ साथ पका लेंगे ताकि दोनों अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और हाँ, ध्यान रखना है फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पे ना पकाएं, नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा सब्जी का। फिर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो इधर मैंने आधा चम्मच नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सभी आधा आधा चम्मच लिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें हाँ, आधा चम्मच मैंने शाही पनीर मसाला ऐड किया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भिगो देंगे पानी। तो ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भिगो देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, और भीगे हुए मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भीग गए हैं। अब इनको हम साइड में रख देंगे। टमाटर को देख लेते हैं एक बार। तो इधर हमारे टमाटर लगभग भून गए हैं, थोड़ा सा और इनको हम भी भूनेंगे। तो ये देखिए, टमाटर से ऑयल अलग हो गया है, टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, जो मैंने भिगो के रखे थे वही मसाले। अब मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक ऑयल मसालों को अलग ना कर दे। तो कुछ इस तरह से मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, ऑयल अलग हो चुका है मसालों से। अब इसमें हम डाल देंगे मखाना। तो ये देखिए, मखाना डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाना मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर लिए थे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाना को हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से डालिए। तो ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, सब्जी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, सब्जी का कलर कुछ इस तरह से आया है। तो
इसको अच्छे से धीमी आंच पे हम पका लेंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।